कभी ईद कभी दिवाली का हैदराबाद शेड्यूल की शूटिंग सलमान ने की खत्म। सलमान खान एक ऐसे शख्स हैं जिनकी जुड़ी कोई भी खबर हो वो चर्चा में आ ही जाती है। आपको बता दें कि इस समय सलमान खान उनकी आने वाली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। सलमान की इस फिल्म का उनके फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे हैं और इस फिल्म से जुड़ी हर अपडेट को जानना चाहते हैं। तो फैंस को बता दें कि फिल्म कभी ईद कभी दिवाली से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है जो आपकी फिल्म की एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा देगी। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग सलमान और पूरी टीम हैदराबाद में कर रहे थे, जो 25 दिनों तक चलने वाली थी, जिसमें वो पूजा हेगड़े और जगपति बाबू के साथ शूट करने वाले थे। तो इसी से जुड़ी अभी हाल ही में खबर आई है कि फिल्म की हैदराबाद के शेड्यूल की शूटिंग को सलमान खान ने पूरा कर दिया है और पूरी टीम भी जल्द ही हैदराबाद की शूटिंग को खत्म कर देगी और आगे के वर्क को स्टार्ट करेगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि फिल्म में सलमान खान के साथ साथ पूजा हेगड़े, वेंकटेश, जगपति बाबू, शहनाज गिल, जस्सी गिल, सिद्धार्थ निगम, राघव जुवाल और पलक तिवारी होंगे और साथ ही में मालविका शर्मा और रिद्धि शर्मा भी दिखाई देंगी। आपको बता दें कि ये स्टारकास्ट की लिस्ट कंफर्म है और इन सभी ने ऑलमोस्ट अपने हिस्से की शूटिंग को कम्प्लीट भी कर दिया है। तो बात करें फिल्म के रिलीज की, तो फिल्म 30 दिसंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म को फराह सामजी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वहीं फिल्म के राइटर और प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला है। वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान के पास इस फिल्म के अलावा और भी कई फिल्में हैं, जिनमें उनकी फिल्म टाइगर 3 है जिसमें वो कैटरीना के साथ नजर आएंगे। इसके बाद वो अनिल कपूर और फरदीन खान के साथ ट्रिपल रोल करते फिल्म नो एंट्री में दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ वो बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान के साथ उनकी फिल्म पठान में एज अ कैमियो करेंगे। उसके बाद भी उनके पास फिल्मों की कई लिस्ट है जिनमें किक 2, बजरंगी भाईजान 2 जैसी फिल्में शामिल है। पीछे देख